हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं सुनील टेक पॉइंट। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तरफ से आप सभी लोगों को साइबर सिक्योरिटी का कोर्स और उसके सर्टिफिकेट फ्री में प्रोवाइड किए जा रहे हैं, जो कि मैंने इस वीडियो में कंप्लीट प्रोसेस बताया है। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखें, और ऐसे और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। सबसे पहले आपको ये वेबसाइट ओपन करनी होगी, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये वेबसाइट गवर्नमेंट का ऑफिशियल वेबसाइट है, जहाँ पर साइबर सर्टिफिकेट आपको फ्री में प्रोवाइड किए जाते हैं। नए इवेंट किस तरीके से पता करना है और किस तरीके से रजिस्ट्रेशन करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। एक्टिविटीज़ पर आपको आ जाने के बाद न्यूज़ का ऑप्शन देख सकते हैं, जिसे आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद आपके सामने इवेंट के लिस्ट आ जाएंगे, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। नंबर वन पे एक एक्टिव लिंक आपको मिल जाएगा, जो कि इस इवेंट में आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। बाकी इवेंट एक्सपायर हो चुके हैं, जो कि आप इनके डेट भी देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप इवेंट में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, जो कि हर एक नए इवेंट यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। नंबर वन पे मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ, जो कि IBPC में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, जो कि 29 से लेके 30 जनवरी के बीच में आप इस इवेंट को इनरोल करेंगे और आपको एक ई सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा। साथ ही आपको कैश प्राइज भी प्रोवाइड किए जाते हैं। ये एक वेरीफाइड सर्टिफिकेट है, जो कि रजिस्ट्रेशन लिंक भी आपको दिया गया है, जिसे आपको कॉपी करना होगा और उसे बाद में नेक्स्ट टैब में आपको ओपन करना है। तो इस लिंक को आप कॉपी कर लीजिए, उसके बाद आप इसके सारे डिटेल पढ़ सकते हैं। और इस इवेंट का सर्टिफिकेट आपको IIT गुवाहाटी के तरफ से मिलने वाला है, जो कि एक वेरीफाइड सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा। साथ ही में यहाँ पर लिखा गया है कि आपको लिमिटेड सीट दिए जाएंगे, तो जल्दी से जल्दी आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। और 2 दिन का ये इवेंट इनरोल करने के बाद आपको एक ई सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर दिया जाएगा, जिसे आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। साथ ही आपको डाउनलोड ब्राउचर्स दिया गया है, जिसे डाउनलोड करके आप इनके इन्फॉर्मेशन पढ़ सकते हैं। और बाकी और भी बेनिफिट्स आपको दिए गए हैं, जो कि आप पढ़ सकते हैं। रजिस्टर फॉर्म पे आपको एक लिंक दिया गया है, जिसे कॉपी करना है। उसके बाद एक न्यू टैब में आपको ओपन करना होगा। ये पेज इस तरीके से ओपन हो जाएगा। ISEA वर्चुअल प्रेजेंटेशन कॉन्क्लेव, जो कि IIT गुवाहाटी द्वारा ऑर्गेनाइज की गई है, जो कि जनवरी 29 से लेकर जनवरी 30 तक रहेगा। इस इवेंट को इनरोल करने के बाद आपको एक वेरीफाइड सर्टिफिकेट दी जाएगी, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड की जाएगी और IIT गुवाहाटी का सर्टिफिकेट होगा। प्रोग्राम शेड्यूल्स में आप देख सकते हैं आपको 29 जनवरी में क्या क्या सिखाया जाएगा। आप यहां पर शेड्यूल्स देख सकते हैं, जो कि ट्रैक 1 में दिया गया है। इसी तरीके से 30 जनवरी में भी आपको ट्रैक देखने को मिल जाएगा कि 30 जनवरी में आपको क्या क्या सिखाया जाएगा। ये सारी चीज़ें आप फ्री में सीख सकते हैं। इनकी टाइमिंग कोई भी अभी फिक्स टाइमिंग नहीं है फिलहाल। जो टाइमिंग अगर फिक्स होगा तो आपको ईमेल के थ्रू बता दिया जाएगा। बेनिफिट्स में आप देख सकते हैं कि आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलने वाला है, और जो भी व्यक्ति इस इवेंट में रजिस्ट्रेशन करते हैं उन सभी लोगों को ई सर्टिफिकेट प्रोवाइड की जाएगी, जो कि IIT गुवाहाटी का ई सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा। और उसके साथ साथ आपको कैश प्राइज भी दिया जाएगा। जो भी व्यक्ति फर्स्ट सेकंड थर्ड आते हैं उन सभी लोगों को कैश प्राइज प्रोवाइड की जाएगी। उसके साथ साथ आपके प्रोफाइल भी एक बड़े एम्प्लॉयर और कोलैबोरेशन को शो की जाएगी, जो कि आपके प्रोफाइल को हाई प्रोफाइल बना देता है। और उसके साथ फर्स्ट सेकंड थर्ड वाले लोगों की प्रोफाइल ISEA का एनुअल मैगजीन में भी छापा जाएगा, जो कि आप एक ISEA का एनुअल मैगजीन में अपना प्रोफाइल छपा सकते हैं, अगर आप इनके दोनों इवेंट इनरोल करते हैं और अच्छे से वॉच करते हैं और पार्टिसिपेट लेते हैं। तो अट्रैक्टिव प्राइस में आप देख सकते हैं, जो कि फर्स्ट सेकंड थर्ड वाले को दिया जाएगा 20,000, 10,000, 5,000, जो कि आप यहां पर देख सकते हैं। बेनिफिट्स में आपको और भी बहुत सारे बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। अगर आप ये फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं भी आते हैं तो आपको एक ई सर्टिफिकेट फ़िलहाल ज़रूर मिल जाएगा। तो इसलिए जल्दी से आप रजिस्ट्रेशन करें, जो कि एक ई वेरीफाइड सर्टिफिकेट आपको मिलने वाला है। स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको रजिस्ट्रेशन का फॉर्म मिल जाएगा, जिसे आपको फिल करना है। सबसे पहले आपको नेम टाइप करना है, उसके बाद कॉन्टैक्ट नंबर टाइप करना है, उसके बाद ईमेल आईडी टाइप करना है, उसके बाद एंटेंडी में आपको वही छोड़ देना है, उसके बाद इंस्टीट्यूट या ऑर्गेनाइजेशन का नेम टाइप करना है, उसके बाद कैप्चा में आपको अपना कैप्चा कोड टाइप करना है, जो कि कैपिटल लेटर में आपको टाइप करना होगा बिना स्पेस दिए। उसके बाद सबमिट पे क्लिक करके आपको सबमिट कर देना होगा। उसके बाद ये सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। जैसे कि मैं सबमिट पे क्लिक कर चुका हूँ, तो आप देख सकते हैं मेरा रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो चुका है और मेरे ईमेल आईडी पे एक मेल आ चुका है, जो कि मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। ISEA का मेल आपको भी इसी टाइप का मिल जाएगा। इस मेल में लिखा गया है कि जिस दिन इवेंट रिलीज होगा उससे एक दिन पहले आपको मेल करके बता दिया जाएगा, साथ ही आपको लिंक भी दे दिया जाएगा, जिसके मदद से आप पार्टिसिपेशन कर सकते हैं।
तो इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये छोटा सा वीडियो पसंद आया हो। ऐसे और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। कीप वॉचिंग सुनील टेक पॉइंट।